वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वाक्षी फिलॉसफी के चैप्टर के अंदर आज हम बात कर रहे हैं भाग्य या कर्म की। देखिए, मेरी उम्र 35 साल है और कम से कम 2 साल पहले तक मेरे पास में इस प्रश्न का जवाब नहीं था कि मैंने जीवन में जन्म लिया, मैंने जीवन जिया, मैं मृत्यु को एक दिन प्राप्त करूँगा। ये पूरी साइकिल जो चली, इसमें भाग्य ने वो सब कुछ करवाया जो मेरे साथ हो रहा है, या मेरा कर्म है जो वो सब कुछ करवा रहा है जो मेरे साथ हो रहा है। आप अभी जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों हो रहा है, आपके भाग्य में लिखा है, आपके पास में पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, वो क्यों है? आपके भाग्य में लिखा है इसलिए है, या आपने कर्म किया है उसके कमाने के लिए इसलिए है? जो लोग कहते हैं कि भाग्य में लिखी थी इसलिए उन्होंने कमा ली, तो हमारे पास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें आपको महसूस होगा कि दिन रात उन्होंने मेहनत करी है उस चीज़ को पाने के लिए, वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी। अपने आसपास बहुत सारे लोग हैं, मोहल्ले के अंदर आपको कई बार 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक इंसान मिलेगा जिसके पास बंगला भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ अच्छा है, और आपको ये महसूस होगा यार इस इंसान को मैंने कभी जिंदगी में मेहनत करते हुए नहीं देखा। और जब आपको ऐसा लगेगा तो घर वाले क्या बोलते हैं, अरे भाई इसका भाग्य बड़ा मजबूत है। और एक्चुअल है, किसी ने किसी लड़की से शादी करी, उसके पिताजी जो थे बहुत अमीर थे, उसको दहेज में मिल गया। अब अगले ने कौन सा तीर मारा, कोई तीर नहीं मारा, लेकिन बंगला गाड़ी सब कुछ मिल गया, भाग्य ने दे दिया। यानी भाग्य कमाकर देता तो है ही। अच्छा, यहीं पर मोहल्ले में आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो जिंदगी भर मेहनत करता आया है, बहुत कठिन मेहनत करी, बहुत कठिन परिश्रम करा, और आज जाकर उसके पास बंगला गाड़ी आया, तो आप क्या बोलोगे, ये इंसान बहुत मेहनती है, हमने इस इंसान को संघर्ष करते हुए देखा है, आज इसको जो मिल रहा है ये अपने दम पर मिल रहा है। इस इंसान ने जो कुछ कमाया वो अपने कर्म के बल पर कमाया। अब कल को हमारे परिवार में हमारे बच्चे ही पूछेंगे कि सर ये तो बड़ा अन्याय हो गया, एक इंसान तो संघर्ष कर रहा है पूरी जिंदगी तब जाकर उसने कमाया, एक ने तो कुछ भी नहीं करा। तो यानी कि भाग्य, भगवान इतना कभी किसी के साथ में अन्याय कर सकता है क्या कि किसी को तो भाग्य ने सब कुछ दे दिया, भाग्य ने दिलवा दिया उसको, और एक इंसान कर्म कर कर वो कमा रहा है। तो जिंदगी जो है वो हमारी चलती कैसे है, वो भाग्य के सहारे चलती है कि कर्म के सहारे चलती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपको ये लगेगा कि भाग्य से बिना कर्म किए किसी इंसान ने पैसे कमा लिए, तो मन के अंदर हमेशा ये आएगा यार इसकी किस्मत अच्छी थी ये बन गया, तो ये तो भगवान ने अन्याय करा, मेरी भी किस्मत होती तो मैं भी बन जाता, राइट। दूसरा उदाहरण देते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो पंडित जी कुंडली देते हैं, हमारी जन्म कुंडली, और ये जन्म कुंडली ज्योतिष विद्या बकवास नहीं है। जिन लोगों को ये लगता है ये समझ लीजिए कि किसी पहुंचे हुए ज्योतिषी के हाथ में नहीं आए, क्योंकि ये तो मैं समझ गया हूँ कि ज्योतिष विद्या बकवास नहीं है। वो क्यों समझ गया हूँ, क्योंकि ज्योतिष विद्या को खुद मैं लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से अभी 30% तक मैंने वो लर्न कर लिया, एंड इट वर्क्स। ज्योतिष विद्या इतनी ज़्यादा सुपर्ब साइंस में से एक है जिसमें बिना किसी से कुछ पूछे आप उसके पास्ट में क्या हुआ है ये पता लगा सकते हो, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पता लगा सकते हो, अभी प्रेजेंट में वो किस चीज़ से गुजर रहा होगा ये पता लगा सकते हो। हाँ, आजकल हमारे समाज के अंदर पाखंडी लोग ज़्यादा आ गए हैं, ज्ञान की कमी हो गई है, कलयुग चल रहा है, हम वो पता नहीं लगा पाते, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ज्योतिष विद्या के अंदर ताकत है ये बात पक्की है, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। जिन लोगों को लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, दे शुड लर्न, वो पहले ज्योतिष विद्या को पढ़कर देखें, और आप 6-7 महीने जब 8 महीने पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा दिस साइंस में है, तो भाई बात तो है, ये पता तो लगा पा रही है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब हमारा जन्म होता है तब ज्योतिष विद्या आती है, तो कुंडली होती है, कुंडली के अंदर साफ साफ लिखा होता है फलाना साल से फलाना साल के बीच में ये इंसान के पास में अथा पैसा आएगा, फलाना साल के बीच में इस इंसान के ऊपर शोक की बहर मतलब बरसात हो जाएगी, और एक्चुअली ये होता है। तो भैया जब भाग्य सब कुछ डिसाइड कर रहा है तो कर्म की क्या रेलेवेंस है फिर? गीता तक के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा, अर्जुन तू केवल कर्म कर, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो तो मैं करवा रहा हूँ, उसमें तुम्हारा कुछ करने ना करने का कोई फायदा नहीं। तू बाण चलाएगा तब भी यही होना है, नहीं चलाएगा तब भी यही होना है, तेरे होने ना होने की एक्चुअली कोई रेलेवेंस है ही नहीं।
तू नहीं चलाएगा तब भी पांडव जीतेंगे, तू चलाएगा तब भी पांडव जीतेंगे, उसकी तू चिंता मत कर, क्योंकि जो करवा रहा हूँ वो तो मैं करवा रहा हूँ। तुझे तो केवल बाण चलाने चलाने हैं तो चलाओ, नहीं चलाने तो वो भी मत चलाओ, क्योंकि उससे मेरी सृष्टि के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी बात बिल्कुल सही है, गीता में लिखा हुआ झूठ तो नहीं है। तो उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि तुम्हारे हाथ में कर्म है, उस कर्म से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उसको भी गीता में उन्होंने बोला। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तुम्हारे कर्म करने से कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इनफैक्ट उन्होंने ये कहा तू कर्म करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि तू कर्म कर या ना कर मेरे हिसाब से जो मैं रचना चाह रहा हूँ मैं तो वो रच दूंगा। और यही एक्चुअली सनातन सत्य हमारे धर्म के अंदर हमेशा से बताया गया है कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ईश्वर के भिलाए पत्ते के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। विधि का विधान है, विधि के विधान को आप नहीं बदल सकते, चाहे आप कुछ मर्जी कर लो, राइट। तो यहाँ पर भी हमें प्रमाण मिलते हैं कि भैया भाग्य है जो सब कुछ करवा रहा है, कर्म तो बस करे जाने हैं, कितना इम्पैक्ट उसका होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता इस बारे में। तो बड़ी हताशा वाली बात हो गई, मतलब कि हम लोग जो है हम लोगों की तो कोई रेलेवेंस है ही नहीं, हम धरती पे आए हैं, ईश्वर जो चाहेगा वो करवाएगा। तो भैया आए, काम किया, चले गए, हमारी अपनी कोई अहमियत तो है ही नहीं, क्योंकि अगर कर्म करेंगे तो कर्म कर रहे हैं, चलो कर लेते हैं, इसका कोई इम्पैक्ट तो पड़ा नहीं कुछ भी। यही सब कुछ अभी तक के जितने मैंने आपको एग्जाम्पल दिए सबसे ये प्रूव हो गया। और एग्जाम्पल लो, भगवान राम का जन्म हुआ तो रामायण में क्या दिखाया गया, भगवान राम का जन्म हुआ। अब जन्म क्यों हुआ, रावण के नाश के लिए, जितने भी राक्षस है उन सबको खत्म करेंगे, और पूरी की पूरी कहानी उसी के ऊपर निर्धारित थी। उनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद नहीं तो क्या जरूरत थी वनवास होने की, वनवास तक हुआ, वनवास के बाद में सीता जी का अपहरण हुआ, रावण का अंत हुआ। तो जैसे उनका जन्म हुआ था, जन्म होने के साथ में ही ये बता दिया गया था कि भैया ये जो है ये राक्षसों का अंत करने के लिए धरती पर आए हैं, और सारी सारी कहानी विधि के विधान के द्वारा लिखे गए अनुरूप के हिसाब से हो गई, और रावण का एक दिन अंत हो गया। तो राम जी ने क्या किया, राम जी ने तो बाण चलाए हैं, सब कुछ जो लिखा हुआ था वो लिखे के अनुसार ही तो हुआ। फिर इसका मतलब राम जी अगर चाहते भी तो क्या इस विधि के विधान को बदल सकते थे, क्योंकि लिखा हुआ था, उनका जन्म इसीलिए हुआ था तो करना था, यही हमें पढ़ाया गया। तो विधि का विधान बहुत स्ट्रांग है। और अल्टीमेटली मैंने आपको जो अभी तक के एग्जांपल्स दिए हैं, अच्छा इसमें एक और एग्जांपल देखिए, वही रामायण के अंदर केकई, केकई जी जो माता केकई थी वो राम से तो बहुत प्यार करती थी, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, कहते थे माता कौशल्या से ज़्यादा प्यार माता केकई करती थी राम जी से। तो जब प्यार करती थी तो वनवास भेजते हुए इतना सा भी दिल नहीं पसीजा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सब लोगों ने कहा भाई विधि का विधान है, किस्मत का खेल है, अब जब विधि का विधान चलेगा तब ये करवाएगा उनके हाथों। यार ये बड़ी अजीब चीज़ हुई, भोली भाली के कही थी, विधि का विधान चला, उनको अपयश मिल गया, नुकसान हो गया। तो यानी हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है, कल को हम अपनी गुडविल बनाना चाहते हैं, हमारा अपमान हो जाए, हमारा सम्मान हो, हम प्लानिंग करते हैं 15 साल बाद ये करेंगे, 10 साल बाद वो करेंगे, इसका मतलब ये सारी प्लानिंग धरी की धरी है। और जितने भी धर्म गुरु अभी तक के हमारे आए हैं जीवन में, उन सब ने यही कहा है कि भैया तुम वर्तमान में जियो, फ्यूचर तुम्हारे हाथ में नहीं, इतिहास जा चुका है उसको तुम बदल नहीं सकते, भविष्य को तुम जानते नहीं, वर्तमान के अंदर केवल कर्म करते जाओ, कोशिश करो अच्छा कर्म करने की। तो भाई अच्छा या बुरा कर्म भी क्या काम करेगा, क्योंकि जो लिखा जा चुका है वो तो लिखा जा चुका है। मेरे अच्छे कर्म करने से, मेरे बुरे कर्म करने से विधि का विधान थोड़ी बदल जाएगा। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आया कि नहीं आया। तो कल को हमारे बच्चे हमसे ये प्रश्न ज़रूर पूछेंगे, जिस दिन उन्होंने ये लॉजिक लगा दिया वो कहेंगे जी काम करना ना करना कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरी किस्मत में लिखा फेल हो रहा तो फेल होऊंगा ही होऊंगा, है कि नहीं। कोरोना काल में दुनिया क्या बोल रही है, अगर इसके लगा इसकी किस्मत में था बीमार पड़ना तो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, इनकी मृत्यु होनी तय थी तो तय होगी होगी, चाहे कुछ मर्जी कर लो, कितने अस्पतालों में दिखा लो, यही तो बोलते हैं हम। तो फिर क्या फर्क पड़ा, फिर क्या ज़रूरत है कि हम दिन रात इतना कर्म करें, इतनी प्लानिंग करें, 15-15 साल तक सोचें। ये तो सारी जगह पे केवल भाग्य है जो अपना खेल खेल रहा है, हम लोग तो केवल माध्यम है, हम कोशिश करे जा रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। तो ये मैंने आपको वो सारे एग्जांपल्स दिए जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स हैं। अगर हमारे सामने कोई भी इंसान बैठे और वो तर्क की दृष्टि से देखे तो उस इंसान ने ये प्रूव कर दिया कि भाग्य ही सर्वश्रेष्ठ है, और मैंने आपको ये सारे उदाहरण दिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाग्य सर्वश्रेष्ठ नहीं है, कर्म बहुत ताकतवर चीज़ है, तो यहीं पर वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि भाग्य सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए इन्हीं एग्जांपल्स को पकड़िए और इन्हीं एग्जांपल्स के अंदर मुझे प्रूव करिए कि नहीं भैया ये भाग्य नहीं था, इसमें कर्म का बहुत बड़ा रोल है, अगर कर्म नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता, विधि का विधान बदला जाता। अगर आपको ऐसा लगता है तो तुरंत पोज करिए, या तो अपनी वीडियो बनाकर किसी यूट्यूब चैनल पर डालिए और लिंक को शेयर करिए, या फिर आप इसको टाइप करना शुरू करिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है।
धरती पे हम आते हैं, हम चले जाते हैं, इन प्रश्नों के जवाब हम ना तो कभी सोचते हैं ना कभी समय मिलता है। हम थोड़े से ईश्वर की दया से समय मिल जाता है या सोचते रहते हैं तो इन चीज़ों के बारे में आंसर निकालते हैं, राइट। तो अभी तक की जो मैंने आपको उदाहरण दिया उससे ये स्पष्ट होता है कि भाग्य सर्वश्रेष्ठ है और भाग्य को और विधि के विधान को नहीं बदला जा सकता। तो कर्म की कर्म केवल आप कर रहे हो, क्योंकि खाली बैठ के भी कौन सा तीर मारोगे? अर्जुन खाली बैठ के कौन सा तीर मारता? तो इसलिए उसे लगा बाण चलाता रहूं, और बाण ही चला रहे थे क्योंकि कृष्ण ही कर रहे थे सब कुछ। अर्जुन के बाणों में तो वैसे ही कुछ नहीं रहा था उस टाइम पे। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जरूर थे, लेकिन हर दूसरे दिन उनको कृष्ण की शरण में आना पड़ रहा था कि आज ये सूरज को ऊपर नीचे कर दो जी, जयद्रथ का वध करना है। मां समझ रहे? हर दूसरे दिन आप देखोगे 18 दिन के अंदर युद्ध के अंदर अर्जुन किसी ना किसी तरह से फंसा हुआ था, जिसको निकालने के लिए भगवान कृष्ण कोई ना कोई युक्ति चला रहे थे। यहीं से आंसर निकलता है, भगवान कृष्ण कोई ना कोई युक्ति चला रहे थे। अगर विधि का विधान लिखा होता तो भगवान कृष्ण को युक्ति चलानी नहीं पड़ती। ये लिखा हो सकता है, विधि का विधान कैसे काम करता है, यहां से अब मेरी थ्योरी को समझिए। विधि का विधान बहुत मजबूत चीज है और उसको बदलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन विधि के विधान से भी ऊपर चला जाता है कर्म, लेकिन वो कर्म की उस प्रकाष्ठा पे पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। दिन रात हमें पूरे जीवन पर्यंत अभ्यास करना चाहिए कर्म की उस पकड़ को बनाने का जो विधि के विधान तक को बदल दे। और मैं आपको इतिहास में से वो उदाहरण दूंगा जिसमें इंसान ने अपनी कर्म की शक्ति से विधि के विधान को बदला है, कर्म की शक्ति से बदला है। अब समझिए कर्म की ताकत कितनी काम करती है, मैं आज आपको वो उदाहरण देता हूं। कल को अगर आपके परिवार में आपके बच्चे बोले कि सब कुछ भाग्य होता है तो उन्हें ये वीडियो दिखाइएगा और बताइएगा नहीं, भारतीय इतिहास में कर्म की ताकत से भी बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, हम तुम्हें उदाहरण देंगे। तो यहीं पे आते हैं, विधि के विधान में ये लिखा हुआ था कि अर्जुन और जयद्रथ के वध में जयद्रथ का वध होगा, ये विधि का विधान है, ये वो लिख सकता है। लेकिन जब अर्जुन और जयद्रथ का वध करेंगे तो उस समय पे परिस्थितियां कितनी कठिन होगी, उसका निवारण कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये विधि का विधान आसानी से डिसाइड नहीं करेगा, इतनी पहले डिसाइड नहीं करेगा। जब अर्जुन का जन्म हुआ और जब जयद्रथ का जन्म हुआ तब ज्यादा से ज्यादा विधि का विधान यही लिखेगा कि भैया जयद्रथ का वध जो है इस प्रकार के किसी युद्ध के अंदर हम करेंगे। लेकिन जब वो युद्ध महाभारत का शुरू हो गया उस दिन विधि का विधान जो है पहले बहुत लंबे तरीके से प्लानिंग करता है। फिर दोबारा समझिएगा, भगवान राम का अगर जन्म हुआ तो विधि का विधान है कि भगवान राम का जन्म हुआ, मुझे उस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करनी है जिससे कि रावण का वध हो जाए भगवान राम के हाथों। लेकिन ये परिस्थितियां कैसी होंगी कैसी नहीं होंगी क्या होगा पल पल की मोमेंट क्या होगी, इसको विधि का विधान जो है वो बिल्कुल शुरुआत में नहीं लिखता, उसको वो दिन रात डिजाइन करता है, वो दिन रात डिजाइन करता है विधि का विधान। और जब वो दिन रात डिजाइन करता है वो उस डिजाइन जो वो क्रिएट करेगा अगले 2 महीने में मैं क्या करने वाला हूं, अगले 3 महीने में क्या करने वाला हूं, ये डिपेंड करेगा आपके कर्म के ऊपर। तो आपने जो कर्म किया और जो विधि के विधान में लिखा है उसके साथ में आपकी गाड़ी चलनी शुरू होगी। नाउ विधि का विधान विल डिसाइड कि भैया ये मेरा लक्ष्य है। विधि का विधान भी अपना कर्म कर रहा है, आप अपना कर्म कर रहे हो, विधि का विधान अपना कर्म कर रहा है। आप इस चीज को इस तरीके से समझिए जैसे आपने कभी चेस खेली हो, मोबाइल के अंदर चेस चलाइए और सामने रखिए कंप्यूटर को, और कंप्यूटर को रखिए सबसे एडवांस लेवल पे, सबसे सबसे भयंकर लेवल पे जिसमें उसका दिमाग सबसे तेज काम कर रहा हो। अब जब आप उसके साथ चेस खेलनी शुरू करोगे तो दिमाग में क्या है, क्या इस चीज की गारंटी है कि कंप्यूटर जीतेगा? प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है, 99.9% चांस है कि कंप्यूटर जीतेगा, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज्यादा पावरफुल है। कंप्यूटर जब एक मूव चलेगा तो उसके अगले 15 moves को मैं नहीं समझ पाऊंगा कि ये अगले 15 moves कहां कहां चलने वाला है। लेकिन जब मैं मूव चलूंगा तो एडवांस लेवल का वो कंप्यूटर ये डिसाइड कर लेगा कि ये 15 level अगर चलेगा तो ये इंसान कहां तक जाने वाला है, यानी कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन वो इम्पैक्ट पड़ने नहीं दे रहा, कौन नहीं दे रहा, जो सामने विधि का विधान है जो बहुत स्ट्रांग है। तो जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए? अच्छे कर्म इसलिए करने चाहिए ताकि विधि के विधान का जब खेल चल रहा हो तो केकई को शिकार ना बनाया जाए। भगवान राम को वनवास जाना ही था,
ये बात पक्की है, क्योंकि विधि का विधान था कि राम अगर वनवास में नहीं जाएंगे, ये एक रचना रची जा रही थी, क्योंकि विधि का विधान वो कंप्यूटर ये डिसाइड कर रहा था कि भैया देखो लक्ष्य मिला हुआ है, राम जी के जीवन के अंत से पहले रावण का वध राम जी के हाथों करवाना है। अब विधि का विधान वो 15 मूव्स तैयार कर रहा है, अच्छा क्या करें, राम जी को वनवास भेज दें? अब राम जी को वनवास भेजूंगा तो भेजूंगा कैसे, 15 मूव्स चला देगा। अब जब वो 15 मूव्स चलाता है तो 15 मूव्स के समय पे याद रखिएगा, जब वो कंप्यूटर ने 15 मूव्स चलाई हैं तो वो किसी के साथ गलत भी नहीं कर सकता, ईश्वर की रचना के अंदर जस्टिफिकेशन, वरना माता केकई चढ़ जाएगी। माता केकई को अगर आपने अपयश दिलवाया तो माता केकई कहेगी भगवान से कि जब मैंने कोई बुरा पाप नहीं किया था, जब मैंने कोई गलत कर्म नहीं किया था, तो ये तुमने मुझे विधि के विधान में, क्योंकि उस समय पे केकई की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। जैसे ही भरत वापिस आते हैं और भरत उनको आलोचना करते हैं, डांटते हैं, तो केकई की एकदम बुद्धि जाग जाती है और वो कहती है हे भगवान, ये मुझसे क्या पाप हो गया। वो राम से भी जाके माफी मांगती है, सबसे माफी मांगती है, और वो यही कहती है कि उस समय पे मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। तो विधि के विधान ने माता केकई को शिकार क्यों बनाया, वो उनके प्रीवियस कर्म के ऊपर बनाया है। माता कौशल्या को शिकार बना सकते थी, विधि का विधान माता सुमित्रा को बना सकती थी, केकई को क्यों बनाएगी? वो इसलिए चुना गया था क्योंकि केकई के जो प्रीवियस कर्म थे दे वर नॉट स्ट्रांग एनफ कि उनको शिकार ना बनाया जाए इस चीज के लिए, और इसीलिए एंड जस्टिफिकेशन के अंदर उनको यही कहना पड़ा कि मेरे ही कर्मों की वजह से मुझे ये सजा मिल रही है। किसी भी इंसान को जिसके कर्म, हम जो हर रोज कर्म करते हैं, इनका पवित्र, इनका शुद्ध होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब विधि का विधान चलेगा तो, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है तो होगा तो वही जो विधि का विधान डिसाइड करेगा। लेकिन उसके, उस विधि के विधान के चलते हुए बहुत लोग होंगे जिनकी बुद्धि काम करनी बंद हो जाएगी। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी थे। अब सोचिए, रावण को हर स्टेज पे पता था कि भगवान राम जो है वो नारायण के रूप बन चुके हैं। जितने लोगों का, खर का, दूषण का, जितनों का वध कर रहे थे, रावण ये जानता था कि इनका वध करना किसी सामान्य पुरुष के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन रावण अपनी बुद्धि को अप्लाई ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस वक्त रावण के कर्म नहीं है। रावण ने बुरा कर्म सीता माता का अपहरण करके नहीं किया, बात को समझिए। रावण के बुरे कर्म तो तब से शुरू हो गए थे जब ऊपर नारायण के पास में उनकी स्लिप गई थी कि भैया ये इतने कर्म कर चुका है कि पाप का घड़ा भर चुका है, अब आपको इनका वध करने के लिए नीचे उतरना है। तो जितने गलत कर्म उन्होंने संतों की हत्या करके करे थे उसके साथ में विधि का विधान लिखा जा चुका था। अब विधि का विधान जब चलेगा तो रावण की बुद्धि हर ली जाएगी और रावण से वो करवाएगा उसके अहंकार को, अहंकार तो है ही, उसके अंदर और घी डालेगा। मंदोदरी की बात नहीं सुनूंगा, नाना जी की बात नहीं सुनूंगा, विभीषण को लात मार दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। तो उस समय पे बुद्धि काम ही नहीं कर रही। लेकिन रावण जाके विधि के विधान के सामने शिकायत नहीं कर सकता, वो कभी ये नहीं कह सकता कि मुझे आपने अपयश क्यों दिलवाया, क्यों? क्योंकि कर्म का फल उनके साथ नहीं था। तो कल को जब आपके परिवार के बच्चे आपसे ये पूछे कि भैया भाग्य चल रहा है, मुझे कर्म करने की जरूरत इसलिए क्योंकि कर्म का इम्पैक्ट पड़ रहा है, और आपको अपने कर्म के इम्पैक्ट को इतना ज्यादा बढ़ाना है कि वो वही विधि का विधान लिख सके जो आप चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज द एविडेंस? आई विल गिव यू एन एविडेंस, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस एवर। हमारी जितने स्क्रिप्चर्स हैं, मैं सबसे बड़ा एविडेंस आपको देता हूं। ऋषि मार्कंडे का नाम आपने सुना, जब उनका जन्म हुआ तो कुंडली लिखी जा चुकी और ये कह दिया गया ये अल्पायु होंगे, ये 16 वर्ष की उम्र के अंदर इनका देहांत होना तय है, ये विधि का विधान लिखा जा चुका है, एंड विधि का विधान इज वेरी स्ट्रांग। ऋषि मार्कंडे ने चैलेंज लिया, ऋषि मार्कंडे ने कहा नहीं, अल्पायु मैं हूं, मेरे माता पिता को इस चीज से चिंता होती है कि मैं अल्पायु हूं, मैं अपने माता पिता को इस चिंता से मुक्त करूंगा, मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा, मैं तपस्या करूंगा। उन्होंने दिन रात तपस्या करी और तपस्या करी तो विधि के विधान में जब यमराज आए एज पर विधि का विधान, वो उनके प्राण नहीं बांध सके। एंड ही इज वन ऑफ द पर्संस जिन्होंने विधि के विधान को अपनी तपस्या और अपने कर्म से बदल दिया। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय पुराणों के प्रूफ्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि कर्म में कितनी ताकत है। कर्म को ईश्वर भी नहीं बदल सकते। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो वाक्षी फिलॉसफी 7 वाली है यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ, उस वीडियो को देखिए। और उसमें मैंने ये निष्कर्ष निकाला था कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीजों में से एक है विधि का विधान, जिसको ईश्वर भी चाहे तो नहीं बदल सकता, ईश्वर भी चाहे तो नहीं बदल सकता। कितनी बार होता है विधि के विधान के अंदर हमने देखा कि स्क्रिप्चर्स के अंदर एक इंसान तपस्या कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो भगवान से कहता है कि मुझे अमरता का वर प्रदान कर दो। इतना पावरफुल है भगवान, जो चाहे वो करवा सकता है, इतनी शक्ति है उसमें, फिर भी वो कहता है कि नहीं भाई मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता।
क्यों नहीं दे सकते जी? भाई नहीं दे सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है, इससे सारी स्क्रिची, ये विधि का विधान जो है वो तेरी तेरी किस्मत में लिखा जा चुका है कि तेरा अंत एक होना है। मैं उस विधि के विधान को जबरदस्ती नहीं बदल सकता, इट्स नॉट इन माई पावर, ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरी ताकत ही नहीं है इतनी, मेरा कर्म भी इतना मजबूत नहीं है कि तेरे लिखे हुए विधि के विधान को मैं आसानी से बदल सकूं। दैट कैन हैपन ओनली बाय योर तपस्या ओनली। आपको इस तपस्या के लेवल को इस हद तक बढ़ाना है, और वो होता भी था इतिहास में, आपको बहुत बार दिखेगा बहुत से ऐसे राक्षसगण थे जो अपनी तपस्या के अंदर, उन्होंने कहा नहीं जी हमें तो अमरता का ही वरदान चाहिए, कोई बात नहीं, हम फिर तपस्या करते रहते हैं, फिर तपस्या करते रहे, ऊपर और सिंहासन डोलता रहा, फिर दोबारा ब्रह्मा जी आए, फिर दोबारा ब्रह्मा जी ने आगे कहा भैया जिद मत करो, अच्छा चलो मैं तुम्हें वो वरदान दे देता हूँ जो तकरीबन अमरता के पास है। तो लालच देते हैं, वो लालच देते हैं, क्योंकि तपस्या में ये बल है कि वो एक दिन अमरता का वरदान भी प्राप्त कर लेगा अगर वो नहीं हिला तो वहां से। लेकिन बार बार प्रलोभन दिया जाता है ब्रह्मा जी के द्वारा, तो ब्रह्मा जी के द्वारा वो प्रलोभन दिया जाता है, एक इंसान टूट जाता है, वो कहता है चलो ठीक है अमरता तो नहीं लेकिन अमरता के पास का वरदान दे दो, ऐसा वो जी जाते हैं, वो चले जाते हैं वापस। दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो विधि के विधान से भी ऊपर का दर्जा है हमारे कर्म का, जो ऋषि मार्कंडे की मैंने आपको जो अभी प्रूफ दिया है, एंड दैट इज हाउ कर्म हैपेंस। द प्रॉब्लम इज कि द चेस गेम जो हम खेल रहे हैं उसमें हम बहुत कमजोर हैं, सामने कंप्यूटर बहुत बहुत बड़ा प्लेयर है। जब भगवान राम रावण के युद्ध के लिए जाने वाले थे, आप खुद सोच कर देखिए, राम जी के चारों ओर परिस्थितियां ही ऐसी बना दी गई कि रावण से युद्ध करने के अलावा कोई उनके पास वही नहीं था, कोई विकल्प ही नहीं बचा। ये होता है विधि का विधान। जब सीता जी का अपहरण हो गया, राम जी के पास में क्या विकल्प था बताओ? क्या वो अयोध्या वापस जा सकते थे? सीता जी का जी अपहरण हो गया, मैं अयोध्या वापस आया, उन लोग कहते भाई काहे आयो, अगर वो नहीं जाते, वो वन में ही जीवन भर रहने की कल्पना करते तो लक्ष्मण जी नहीं उनको रहने देते, लक्ष्मण जी कहते अगर आप रहोगे तो फिर मैं चला जाऊंगा, जाना तो पड़ेगा, उनके पास विकल्प ही नहीं थे कोई। तो विधि का विधान आपको खींचे जा रहा है, आपको धक्का दिए जा रहा है, आपके लिए परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है। दिस इज हाउ भाग्य वर्क्स। भाग्य हमारे लिए जैसे बॉल हमारे पास आने वाली है, वो बॉल जो जितनी तेजी से और जितनी कठिन आने वाली है वो है भाग्य, और हम उस पर शॉट क्या लगाते हैं ये है कर्म। मैच का अंत डिसाइड होगा हाउ वंडरफुली यू प्लेड द बॉल्स। हो सकता है सचिन तेंदुलकर बेस्ट प्ले कर रहा हो अपना, उसके बावजूद इंडिया हार जाए, क्योंकि विधि के विधान में यह लिखा जा सकता है कि इंडिया हार जाएगा, लेकिन सचिन कितना बेहतरीन खेलने की कोशिश करेगा, कितना बेहतरीन लड़ेगा, यह विधि का विधान डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगा कर्म। इसीलिए इंडिया के लगातार हारने के बावजूद सचिन को अपयश नहीं मिला, सचिन को यश ही मिला, जबकि भारतीय क्रिकेट के ऊपर इतना समय मंडरा रहा था कि लोग कह रहे थे इसमें कुछ दम नहीं रहा, लेकिन सचिन को अपयश नहीं मिलता था। उसका रीजन यह था कि सचिन दबाकर खेलते थे। जब विधि का विधान लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा झांसी की रानी की मृत्यु होगी, अंग्रेज आक्रमण करेंगे और झांसी की रानी की मृत्यु होगी, ये विधि का विधान लिख सकता है। लेकिन झांसी की रानी लड़ते वक्त कितने जबरदस्त तरीके से लड़ेगी, ये डिसाइड झांसी की रानी को ही करना है, और उनके पहले के किए गए खुद के चुने हुए कर्मों के ऊपर ही आधार बनेगा। तो विधि का विधान तो ये डिसाइड कर सकता है कि भारत गुलाम बनेगा, अंग्रेज इसके ऊपर राज करेंगे, लेकिन किसको अपयश प्राप्त होगा किसको नहीं होगा, ये डिसीजन जो है ये हमारे कर्म ही करने वाले हैं। तो इसीलिए दिन भर प्रयत्न करना चाहिए अच्छे से अच्छे कर्म करने का। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो और उन कर्मों की ताकत जबरदस्त हुई, तो ऋषि मार्कंडे के अनुसार आप विधि के विधान तक को बदल सकते हो, लेकिन ये करना तकरीबन नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि इतना कर्म प्रबल होना इतना आसान नहीं है। तो कम से कम आपके वो अच्छे कर्म हैं, जब इस प्रकार के महान संकट हमारे ऊपर आएंगे तो आपको यश नहीं दिलाएंगे जैसे माता केकई को दिलवाए गए, तो वो अपयश जो है उससे कम से कम आप बच जाओगे अगर आपके कर्म जो है ये मजबूत हैं। तो विधि के विधान के अंदर इन चीजों को समझना और जानना जरूरी है, इसलिए आपको बच्चों को बताना जरूरी है कि तुम्हारे कर्म प्रबल होने क्यों जरूरी है। इसी के साथ में एक और प्रॉब्लम और एक और क्वेश्चन आता है। अब हमने बहुत सारी वीडियोस के अंदर आपको कहा कि भैया नाम जपना चाहिए। अब देखो नाम जपेंगे तो ये एक पॉजिटिव कर्म है, अब पॉजिटिव कर्म करोगे तो वो पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर जाएगा। अब बहुत लोगों का हमारे पास में कई बार संदेश आया कि सर मुझे ये बताओ, मैं जब नाम जपने लगता हूं मुझसे जपा ही नहीं जाता, तो मैं क्या करूं? इसमें मेरी कमी तो है नहीं, मैं मेरी क्या गलती है? आपने मुझे कहा कि नाम जपो, मैं नाम जपने की कोशिश करूं मुझसे जपा ही नहीं जा रहा, मैं भगवान के पास बैठने की कोशिश करूं मुझसे करा ही नहीं जा रहा,
जब पहले लोग में ऐसे लोगों को कहते थे तो कहते थे, क्या कहते थे, भैया तेरे कर्म इतने कमजोर हो गए हैं कि अब तू वो नाम भी नहीं जपने दे रहा ईश्वर, क्योंकि अगर तू नाम जपेगा तो तेरे पॉजिटिव कर्म में जुड़ेगा, पॉजिटिव कर्म में जुड़ेगा तो उसका पुण्य भी मिलेगा, अगर तेरे को पुण्य मिल गया तो जो पाप तूने करे उसकी सजा कैसे मिलेगी, राइट? तो वो आपको नाम जपने ही नहीं देगा। एंड दिस इज हाउ कर्मा वर्क्स, कर्म इस तरीके से काम करता है। तो इसीलिए कहा जाता है बचपन से बच्चों को आदत डालनी चाहिए पॉजिटिव कर्मा करने की, नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना। मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं, आज अगर मैं ऑर्गेनिक बिजनेस में हूं, कितने लोग होंगे धरती पर जो एक अच्छा संतुष्टि के साथ में, सुख शांति के साथ में व्यापार कर पा रहे होंगे। ये मैं आपको पर्सनल चीज है जो शेयर कर रहा हूं, क्योंकि फिलॉसफी की क्लास है। मैं उन गिने चुने लोगों में से एक हूं पूरी दुनिया के अंदर, जो इंसान जो कर्म कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है, सुख शांति से कर रहा है, बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि मैं ईमानदार इंसान हूँ, द फैक्ट इज़ कि मुझे बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इसमें विधि का विधान भी और मेरे किए गए पुराने कर्म इतने अच्छे से ब्लेंड होकर मेरी मदद कर रहे हैं कि मैं जो कर्म करके आप लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी मुझे पुण्य ही अर्जित करवा कर दे रहा है। आप सोचिए कि ये कर्म बल के अंदर कितनी स्ट्रांग में जाएगा। आप सुबह से शाम तक कोई गलत कर्म जो है वो करने के लिए विधि का विधान कह नहीं रहा, क्योंकि कर्मा जो है पॉजिटिव हो गया, राइट? और आप अच्छी डायरेक्शन पे ऑलरेडी चले गए, अब जो आप काम कर रहे हो वो भी पॉजिटिव है, उसमें भी बेईमानी करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना, तीनों विधि का विधान भी सपोर्ट कर रहा है, आपका कर्म भी सपोर्ट कर रहा है। यानी कल के दिन में अगर मैंने पॉजिटिव कर्मा किया शाम तक, तो ये मुझे और ज्यादा उन्नति की तरफ लेकर जाता जाएगा। सो दैट्स हाउ पॉजिटिव कर्मा एक्चुअली वर्क्स। और इसको करने में मुझे 34 से 35 साल का समय अभी तक लगा, जिससे समाज उद्धार और देश के उद्धार के लिए आगे बड़े बड़े कार्यों को करना हमें शुरू करना पड़ेगा। इसकी परीक्षा की घड़ी भी आती है, भगत सिंह के जीवन में आई, सबके जीवन में आई, ऐसा नहीं है, इतने आसान नहीं है। तो हमारे लिए चैलेंजेस तो बड़े बड़े रहेंगे, हम कब टूटेंगे ये कोई नहीं कह सकता, मतलब वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा और विधि के विधान पर डिपेंड करेगा, बट दैट इज नॉट ओनली विल बी डिसाइडेड बाय विधि का विधान। ये बात दिमाग में डाल लीजिए, कर्मों का इतना बड़ा रोल है, राइट? तो विधि का विधान और कर्म, ये दोनों ही मजबूत चीजें हैं। दोनों के उदाहरण मैंने आपको दिए, विधि के विधान में राम जी का, माता केकई का, इन सब के उदाहरण दिए, और कर्म के अंदर मैंने ऋषि मार्कंडे का आपको उदाहरण दिया। तो दोनों अपनी जगह स्ट्रांग है। नाउ इस चेस की गेम में सामने जब विधि का विधान जैसा कंप्यूटर बैठा है, आप कितने अपने कर्म के लिए सुदृढ़ होकर प्रबल हो रहे हो। सुबह उठना है, मन करेगा नहीं, सो जाओ। आपको संतुलन बनाना पड़ेगा कि मुझे कितना आराम चाहिए और कितना मुझे मेहनत करनी है। और जब आप खुद को फोर्स करते हो, जब आप उसको खुद को थोड़ा प्रबल करते हो, ज्यादा फोर्स करने से भी तबीयत खराब होती है, लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। मैंने अभी आपको बात बीच में अधूरी छूट गई, जिन लोगों ने मुझे मैसेज करा कि सर नहीं करा जा रहा, मैं भगवान के पास बैठता हूं, नाम ही नहीं जपा जा रहा, इसका मतलब तो मेरे जो कर्म किए गए अब तो मैं शुद्ध कर्म कर ही नहीं सकता, पॉजिटिव कर्म कर ही नहीं सकता। It is not impossible, but it will be very, very difficult. It will be very, very difficult. आपको जितने आपने पाप किए हैं उतने ही पॉजिटिव कर्म करके उसको पहले नलीफाई करना पड़ेगा, इफ यू वॉन्ट टू गेन मोर। इसीलिए तो तीन पाथवे बताए गए ना, नाम जपना, कीरत करना और वंद चखना। तीन चीजें क्यों बताई? खाली नाम जपना करने से भी वाल्मीकि जी ने केवल राम राम का जाप करा, उन्होंने तो वंद चखना और कीरत करना नहीं करा था, लेकिन उससे ही उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। जो तपस्या करते थे संत, वो क्या करते थे? वो कीरत करना और वन चखना थोड़ी करते थे, वो तो नाम जपने का काम करते थे। नाम जपना सारा दिन इतना करते थे जिससे उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता था। लेकिन हमने कहा कि नाम जपना, कीरत करना और वन चखना, तीनों चीजें करनी जरूरी है। क्यों करनी जरूरी है? क्योंकि अगर हम बचपन से अभी तक पाप करते आए, या हमारे पिछले जन्म के पाप कर्म हमारे बहुत ज्यादा हैं, आप नाम जपने की कोशिश करोगे, आपको नाम जपने ही नहीं देगा ईश्वर। क्योंकि अगर आप नाम जपोगे आपके पॉजिटिव कर्म होंगे, पॉजिटिव कर्म होंगे तो आपको पुण्य देना पड़ेगा, पुण्य देना पड़ेगा तो पापों की सजा कैसे भुगतेंगे? वो तो ऋषि मार्कंडेय की सृष्टि में चला जाएगा, उस कैटेगरी में चला जाएगा, वो आपको नाम ही नहीं जपने देगा। तो आपको कीरत करना, वंद चखना, सारा दिन प्रयास करना पड़ेगा। अरे भाई ये पॉजिटिव कर्म है, कर दो। अरे ये अच्छी चीज़ है, चींटियों को आटा डाल दो। इसीलिए पहले जब हमारी कुंडली होती थी, जब भी कुछ खराब होता था तो ज्योतिषी, आजकल तो खैर कहते हैं फलाना पैसे दे दो हम यज्ञ कर देंगे, तो सब बकवास है। एक्चुअली कर्मा के अंदर वो लोग बोलते थे चींटियों को आटा डालो, पक्षियों को दाना डालो, राइट?
गाय को रोटी खिलाओ, ये सब कुछ करो, कुत्तों को रोटी खिलाओ, क्यों बोलते थे? दीज ऑल कम इन पॉजिटिव कर्मा। मेहनत करो, अब मेहनत ईमानदारी का काम करो ये तो बोल नहीं सकते, क्योंकि अब जिसका व्यापार जैसा चल रहा है, कई लोग बेचारे ऐसे भी हैं जो ऐसे व्यापारों में घुसे हुए हैं कि सुबह से शाम तक बेईमानी करनी पड़ेगी, नहीं कर सकते तो क्या करें फिर, वो अब फंसे हुए हैं, निकलेंगे कैसे? निकलेंगे बाय डूइंग इक्विवेलेंट फोर्स ऑफ पॉजिटिव कर्मा। आप व्यापार के अंदर है, आपको लगता है कि व्यापार चलता ही गलत तरीके से है यार, अब इसमें मेरी क्या गलती है अगर मेरे लिए यही व्यापार चुना गया? प्रयत्न करना, अभ्यास करना। जब आप बुरे व्यापार के अंदर होते हुए भी अपनी तरह से कोशिश करते हो कि मैं किसी का भला करता जाऊं, तो ऑटोमेटिकली आपके व्यापार का पैराडाइम धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा एंड यू विल कम इनटू पॉजिटिव थिंग्स, बट दैट विल टेक टाइम। कितना टाइम? जितने पुराने पाप कर्म ज्यादा इकट्ठे हुए होंगे उतना ही ज्यादा पुण्य कर्म में आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा एंड देयर इज नो एस्केप फॉर दैट। हम पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास जा जाके पैसा मंदिरों में गवा गवा के, रामलिंग राजू जी के ऊपर जब केस हुआ, उन्होंने जाके इतना बड़ा छत्र जो था विजय माल्या ने था तिरुपति बालाजी के अंदर, इतने बड़े बड़े सोने के छत्र चढ़ा दिए। तो सोने के छत्र आपने चढ़ा तो दिए हैं, बट वो आपके पाप कर्मों को नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि पाप कर्मों को ठीक कर सकते तो रावण भी छत्र चढ़ा के जीत जाता, बट दैट विल नॉट वर्क फॉर यू एंड दैट इज द रीजन फॉर दिस। इसीलिए आज की इस वीडियो के निष्कर्ष को हम फाइनली इसलिए निकालते हैं कि विधि का विधान बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप कर्म से उसको बदल सकते हो, लेकिन पॉजिटिव कर्म करना ये बहुत मुश्किल चीज है। क्यों मुश्किल है आपके लिए करना? एक तो समझिए, पुराने पाप कर्म है जिसकी वजह से विधि का विधान जो है वो आपको अच्छे कर्म करने नहीं देगा, और दूसरा भी ट्रैप है, विधि का विधान काम कैसे करता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए, माया के थ्रू। विधि के विधान के पास में 5-6 बड़ी प्रबल चीजें हैं और जिसके ट्रैप से बचना बहुत मुश्किल है। उसके बाद 6 उसके तुनीर के अंदर अस्त्र हैं और इतने जबरदस्त अस्त्र हैं, इसको भी मैं, चलो वीडियो में 10 मिनट लगेंगे, अभी आपको बता देता हूं कि विधि के विधान के पास में इतने जबरदस्त अस्त्र हैं वो आपको परेशान कर देगा, आपको पॉजिटिव कर्मा नहीं करने देगा अगर वो नहीं चाहता कि नहीं करना है, और आपको अभ्यास। लेकिन आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि मेरे कर्म के अंदर भी प्रबल है, मैं भी लड़ता रहूंगा अंत दम तक, और लड़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं जितने लोग उसके ट्रैप से बच सकते हैं, पॉजिटिव कर्मा करके प्रीवियस कर्मा को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, वो करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आपको हिम्मत नहीं आनी है, ये आपके अंदर की शक्ति है जो ईश्वर ने आपको देकर भेजी है। तो अभी है विधि के विधान के बाद कौन कौन से अस्त्र हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये उसके वो सारे अस्त्र हैं जिससे विधि का विधान आपसे वो सब कुछ करवाता है जो वो करवाना चाहता है। आप समझ रहे हैं? महाभारत के अंदर कर्ण का जो पाप का प्रोफाइल था वो बहुत ज्यादा नहीं था, ही वॉज अ नाइस गाय। लेकिन अब कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ना है, कौरवों का संहार करवाना है, दोबारा से समझिए उसी गेम को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं फिलॉसफी के अंदर, और कर्ण जानता है कि मेरे ही छोटे भाई हैं दूसरी तरफ पांडवों की तरफ। विधि का विधान इतना स्ट्रांग प्लेयर है, उसने कर्ण को शतरंज की गेम में वहां फंसाया है, तू नहीं निकल सकता। तू चाहे खुशी से लड़ चाहे ना लड़, लड़ना तो तुझे दुर्योधन की तरफ से ही पड़ेगा। इसीलिए कर्ण को दुर्योधन की तरफ से लड़ने का पाप नहीं लगा, राइट? कर्ण को उन्हीं चीजों का संताप, देखिए मृत्यु तो आज नहीं तो कल हर किसी को प्राप्त होनी है, मरते वक्त इंसान को किस चीज की चोट लगती है अंदर, किस चीज पे शंका रहती है, किस चीज पे लगता है यार ये चीज मैंने गलत करी, वो उसके पाप के अंदर गिना जाता है। वो तो वो पांडव भी 15-20 साल बाद उनका देहांत हुआ होगा, कितना अंतर आ गया जीवन में। लेकिन कर्ण को हमेशा जब भी उससे पूछा गया कि आपको किस चीज के ऊपर आपको चोट अपने शरीर में लगते, मतलब ये लगता है कि आपने पाप किया, उसने कहा मेरे को द्रौपदी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए थे भरी सभा में। आप कभी भी वो देखेंगे जब महाभारत, तो आपको महसूस होगा कर्ण कभी भी इस चीज के ऊपर, और कभी भी ईश्वर ने उसको इस चीज की सजा नहीं दी कि तुम दुर्योधन की तरफ से हो, क्योंकि मैं दुर्योधन की तरफ से हूं, मैं गलत जगह से लड़ रहा हूं, बट दैट इज हाउ विधि का विधान हैज डिसाइडेड फॉर मी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भैया, आई हैव प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर मी कि मैं दुर्योधन की तरफ से क्यों लड़ रहा हूं, और इसके लिए जितनी जिम्मेदारी है वो विधि के विधान को लेनी है, मेरी माता को लेनी है, मेरी माता के कर्म को लेनी है, सूर्य भगवान को लेनी है, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। आप लोगों ने परिस्थितियां उत्पन्न करी थी, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका कभी पाप कर्ण को नहीं लगा। इसीलिए कर्ण को पापी नहीं कहा जाता, आपके बच्चे जब होते हैं तो उनके बच्चों का नाम कर्ण रखा जा रहा था, दुर्योधन या सुयोधन नहीं रखा जाता, क्योंकि कर्ण को वो यश प्राप्त हुआ। थोड़ी बहुत गलती करी थी,
गलती करी थी तो उनको उसका आभास भी था जो जो गलतियां करी थी, लेकिन उसमें ये गलती नहीं थी कि आप, यही चीज आप लोगों, हम लोगों के साथ में होती है। तो उसने अपने पाप कर्म में, जो पाप कर्म हो रहा था उसको शुद्ध कर्मों से, शुभ कर्मों से न्यूट्रलाइज करा हुआ था, एंड ही वॉज इवेल्युएटिंग हिज कर्मा एवरी डे। दुर्योधन गलत कर रहा है, कर रहा है गलत, बट माय जॉब इज टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि देखो यार दुर्योधन ये चीज ठीक नहीं है, डोंट डू इट, बट इफ यू विल फाइट देन आई विल फाइट फ्रॉम योर साइड ओनली, आई हैव नो अदर ऑप्शन, ये चीज मेरा कर्म है और मेरा कर्म यही करना पड़ेगा। वो अपना कर्म कर रहा था, राइट? तो अपने कर्म को दिन रात इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आज नाम जपने की कोशिश करोगे, 2-4 मिनट में उठ जाएंगे। तो इसीलिए क्या करना है, जैसे ही ध्यान आया तभी नाम जपना आरंभ करें। आज आपको कोई गायें दिखी, आज आपको कोई पशु दिखा, कोई भी अच्छा काम करने के लिए मन बताएगा ये अच्छा काम है ये बुरा काम है, जो भी अच्छा काम लगता है हाथ में करते जाओ। आज मैं ईश्वर का कितना धन्यवाद करूं, धन्यवाद करते करते थक जाऊंगा, जैसा मैंने आपको बताया। अरे पैसा, व्यापार, गाड़ियां, नौकर चाकर, ये तो क्षण भर के लिए होते हैं। 5-6 साल होंगे, आपको बिगाड़ेंगे, आपको दारू अय्याशी में डालेंगे और खराब करके चले जाएंगे। आज जो मैं सुबह से शाम तक काम कर रहा हूं, इसमें मुझे 1% की बेईमानी नहीं कर रही। लाखों लोग, पूरे हजारों लोग जो है पूरे भारतवर्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया है, डू इट, बहुत अच्छा कर रहे हो, यू वोंट बिलीव। मैं आपको अंदर की सारी चीजें बता नहीं सकता कि पीपल, लोग ऐसे रख के चले जाते हैं चीजें, पैसे हाथ में, कि भाई साहब ये हमारा है ही नहीं, आप इसका ध्यान रख लो जो भी करना है। और ये चीज हम जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर शायद ही कोई इतना भाग्यशाली इंसान होगा जिसके ऊपर दुनिया इस तरीके से भरोसा करके आगे बढ़ सकती होगी। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, विधि का विधान और कुछ कर्म जो हम अच्छे कर पा रहे हैं उसके कॉम्बिनेशन से हो रहा है। तो अभ्यास करना चाहिए दिन प्रतिदिन, और अभ्यास करना चाहिए, हर बार कर्म को इवैल्यूएट करते रहिए। माया बहुत प्रबल है, और इसका भी एग्जांपल जाते जाते मैं आपको देकर जाऊंगा ये कितनी प्रबल है, और खिसका देगी एक दिन भी, एक दिन में खिसका देगी सब कुछ। तो इसीलिए खुश होना या गर्व होने का तो समय लगता ही नहीं है, क्योंकि माया प्रबल इतनी है। माया की ताकत को, विधि के विधान की ताकत तो आपने अभी देख ली, अब मैं आपको बताता हूँ कि माया, विधि के विधान के तर्कश के अंदर जो अस्त्र हैं वो कितने मजबूत हैं, उसे बोलते हैं माया। माया के 6 प्रकार मैंने आपको बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब कुछ है। ऋषि विश्वामित्र 1000 साल की तपस्या करने जा रहे थे, 1000 साल की तपस्या कर ली थी, और अब उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने वाला था। इंद्र को ये लगा कि यार ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो माया का खेल रचा गया। अब सोचिए, जब हम कहते हैं आपको नाम जपना जरूरी है, ऋषि विश्वामित्र तो सुबह से शाम तक नाम ही जप रहे हैं, 1000 सालों तक तपस्या कर रहे हैं, प्रभु का नाम ही जप रहे हैं, अंदर तक में इतना शुद्ध हो जाने चाहिए थे कि माया के अंदर इतनी ताकत ना हो कि उनके पास आ सके। और इंद्र कहते भी हैं अप्सरा को कि भैया देखभाल के जाना, अगर वो इंसान माया के खेल में नहीं आया और उसने अगर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करा तो तुम्हें भस्म कर देगा। माया इतनी प्रबल है कि काम के अस्त्र को चलाकर ऋषि विश्वामित्र की 1000 सालों की तपस्या को खत्म कर दिया। उसके बाद में ऋषि विश्वामित्र 10 साल तक रहे, मेनका या उर्वशी जो भी अप्सरा का नाम था ध्यान नहीं आ रहा, उनके साथ वो 10 साल रहे। और 10 साल जब भोग हो गया तब उन्होंने सोचा यार ये तो दिक्कत हो गई, गलत काम हो गया, 10 साल का सुख तो प्राप्त करा लेकिन 1000 साल की तपस्या खराब हो गई। फिर ऋषि विश्वामित्र ने दोबारा से तपस्या करी, तब जाके उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। ये इतिहास है भारतीय इतिहास, और ये बताती है कि माया की ताकत कितनी है। तो जब हम आपको ये बोल रहे हैं कि हम सौभाग्यशाली लोगों में से एक है, माया का नहीं पता कि माया कब अपना खेल रचा देगी, जब इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि फिसल गए तो हम लोग तो कहीं पर भी नहीं। तो इसीलिए सुबह से शाम तक सतर्क रहना जरूरी है, खुद को टटोलना, खुद का इवेल्युएशन करना जरूरी है। कोई पाप कर्म हो जाए, रामायण में भी कहा गया जैसे ही कोई पाप कर्म हो जाए, जैसी कोई गलती हो जाए तुरंत उसका सुधार कर लेना जरूरी है। और पुण्य कर्मों को कीरत करना, मेहनत और ईमानदारी से सारा दिन काम करना, काम करते हुए प्रभु के नाम का जाप करते रहना, और जो कुछ कमाया उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वापस समाज को दे देना, ये निरंतर करना पड़ेगा। और जितनी बार आप प्रयास करोगे माया आपको लोभ में डालेगी, माया आपको बार बार करेगी अरे क्या जरूरत है, ऐश चल रही है, छोड़ो। आपको बोलना पड़ेगा नहीं भैया, दूर रहो माया से। तो आपको ये संतुलन बनाना है, और सृष्टि में अभ्यास और संतुलन ये दो शब्द याद रखिएगा,
जब बार बार हम अभ्यास करते हैं तो वो उस चीज़ पे पकड़ आ जाती है। जो लोग नाम जपने का अभ्यास कर रहे हैं रोज, उनको उसके ऊपर पकड़ आएगी। पहले दिन नहीं होगा, निरंतर करते रहिए। पहले दिन सोचोगे मेहनत ईमानदारी से काम करूं, आज व्यापार में मेहनत ईमानदारी से काम करूंगा, फिर करोगे फिर लगेगा अरे नहीं यार ये तो गलत हो गया, क्या ये ईमानदारी इतनी क्या दिखानी। तो थोड़े थोड़े स्टेप्स लेके उसको दिन पे दिन बढ़ाते रहिए, ये अभ्यास की श्रेणी में आता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है संतुलन। संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक ही चीज़ की जो है ना रट रटा कर उसी के ऊपर मैं टिका रहूं, ये समझदारी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूं मैं, दो चीज़ें कि संतुलन जीवन में क्यों ज़रूरी है। आपको कैलकुलेटेड लेवल पर थोड़ा सा गलत और बहुत ज़्यादा अच्छा करना है जीवन में, बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करने हैं। थोड़ा थोड़ा जो है वो कहीं ना कहीं गलतियाँ होंगी, लेकिन वहाँ पर आपको संतुलन बनाकर रखना होगा। गलतियाँ क्या होगी, भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध जब जीता था, अगर वो बिल्कुल नेकी के अंदर और संतुलन में ही रहते तो कुछ भी नहीं कर पाते, आप समझ गए। ये तो मेरे जीवन के आइडियल्स हैं, जैसे भगवान राम ने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने आदर्शों से नहीं हटूंगा। वो पलटने के लिए तो भगवान कृष्ण आए, उन्होंने बोला भैया मेन गोल पे फोकस रखो, आपको बड़ी चीज़ लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ बड़ा करके जाना है, उसको करने के लिए आपको इधर उधर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो उससे मत डरो, अल्टीमेट गोल के ऊपर फोकस रखो। अल्टीमेट गोल आपका शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे लोगों का, पूरे देश का भला हो सके। ये एक मतलब आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जीवन में। तो ये संतुलन था। भगवान राम ने भी ये गलती करी थी जिसकी उनको सजा भी मिली थी। ये शायद मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ऐसा नहीं है भगवान राम से गलती नहीं हुई थी, भगवान राम से भी गलती हुई थी। अब आप कहेंगे सीता माता का जो था त्याग किया था ये गलती थी, नहीं वो गलती नहीं थी, उस गलती का तो एग्जाम्पल जो है वो उदाहरण उन्होंने रामानंद सागर जी ने बहुत खूबसूरत रूप में दिया है कि वो राजा थे और राजा का उनको धर्म निभाना था, अपने सुख से ऊपर मानना था, तो त्याग करना ज़रूरी था। राजा और रानी की अपनी व्यक्तिगत कोई लाइफ नहीं होती, दे आर देयर फॉर द पीपल ओनली, तो वो तो रामानंद सागर जी ने बताया। राम जी से सिर्फ एक गलती हुई थी और वो जो गलती हुई थी वो हुई थी बाली का वध। जब उन्होंने बाली का वध किया था तो बाली ने, अब उनके पास में ऑप्शन नहीं था, बिकॉज बाली कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, वो अहंकारी था, वो अब गलत चीज़ों के अंदर पड़ चुका था, वो बुरे कर्म करता था। बट प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास पावर इतनी ज़्यादा थी कि आप बाली को आप वध ही नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही सामने जाओगे आपकी आधी ताकत बाली को मिल जाएगी, तो आप उसको मारोगे कैसे, आप समझिए। मतलब बाली के पास में रावण से भी ज़्यादा शक्ति थी, जो राम जी उसके सामने जाके उसका वध नहीं कर पा रहे हैं। तो राम जी ने अब क्या करा, राम जी ने भी उस समय पे कृष्ण वाली नीति ही लगाई कि भैया व्हाट इज द अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल है कि बाली का वध होना चाहिए। अब इसका वध करने के लिए अगर मुझे गलत तरीके से भी वध करना पड़ रहा है देन आई हैव टू डू इट, क्योंकि सही तरीके से उसका वध होगा नहीं, सोच के देख लिया अच्छे से। इसे बोलते हैं संतुलन। तो उन्होंने जब बाली का वध किया तो बाली ने बोला कि भैया मुझे क्यों मारा आपने, मेरी क्या कसूर था, तो राम जी ने कसूर गिनवाए, तुमने छोटे भाई की जो वधू थी उनको रखा, अपने घमंड अहंकार में तुमने छोटे भाई को ऐसे भगाते फिर रहे हो आप अपने अहंकार के अंदर, तुम्हारे छोटे भाई का गुना भी नहीं था, तुमने ये भी वेलवेट नहीं करा, लात मार के उसको निकाल दिया, दिस इज़ वेरी गुड बैड राइट। तो उसकी सज़ा तुम्हें मिलनी थी, तो उसकी सज़ा मिलनी थी, बाली ने एक्सेप्ट किया। फिर बाली ने कहा कि भैया आपने फिर छुप के मुझे क्यों मारा, तो उसमें राम जी ने अपने उदाहरण ज़रूर दिए लेकिन उसमें उन्होंने माना कि भैया ऐसे दुर्भाई अगर ऐसा कोई इंसान होगा उसका किसी भी तरह से वध करना जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन राम जी के आदर्शों के अंदर उस समय में सतयुग में दिस वॉज नॉट अलाउड, द्वापर युग में जो था वो तो था, उसकी भी सज़ा कृष्ण जी को मिली आखिरी में, खैर द्वारका नगरी पूरी डूब गई थी। तो जब कृष्ण बनकर राम जी ने दोबारा जन्म लिया धरती पर, तब कृष्ण, भगवान कृष्ण की जो मृत्यु हुई थी वो व्याघ्र के थ्रू तीर लगने से हुई थी। और जब भगवान कृष्ण की हुई थी तो जब वो आया शिकारी उनके पास में, शिकारी ने कहा सर मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे बाण को आपको लग गया और भगवान कृष्ण की हत्या मेरे हाथों से, इतना बड़ा अपयश। तो भगवान कृष्ण ने कहा इसका अपयश तुम्हें नहीं लगेगा, और इसका अपयश तुम्हें इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये मेरे कर्मों से, मेरे पहले कर्म के अंदर इस तरह से हुआ था और इसी वजह से उसकी सज़ा मुझे अब भुगतनी पड़ रही है, ये विधि का विधान है, आई डोंट माइंड इट। तो राम जी को भी वहाँ पे संतुलन बनाना पड़ा था, उनको समझना पड़ा था चीज़ों को। तो अगर आप लोगों में से कभी भी ये प्रश्न आए कि यार सुबह से शाम तक हम जिस काम में उसमें तो ईमानदारी से काम हो ही नहीं सकता, मैं करने की कोशिश करूँगा तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, देन ट्राई टू डू वट एवर गुड थिंग्स पॉसिबल ऑन योर हैंड, सिंपल आंसर, प्रयत्न करते रहो।
और कर्म के प्रयत्न करने से, ये तीन चीजें, नाम जपना, कीरत करना और वंद चकना से अगर हमने प्रयत्न करते रहे, ये हमें कुंदन बना देंगे। और मैंने आज इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया कि कर्म की ताकत भाग्य को टक्कर दे सकती है, इतनी ज्यादा प्रबल होती है, प्रोवाइडेड कि हम उसे पा सके, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। दो शत्रु हैं, दो शत्रु क्या, दो आपके अगेंस्ट बहुत बड़ी पावर्स हैं। एक है विधि का विधान, अगर आप उसके अगेंस्ट जाकर कुछ काम कर्म करने की कोशिश करोगे तो जीतना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए विधि के विधान के साथ में यूजली चल लेना ज्यादा समझदारी होती है, वरना एनर्जी बहुत ज्यादा खराब होगी, आप उसके अगेंस्ट जाके बहुत कुछ कर पाओगे। जैसे आपने डिसाइड किया, मैं आज से 15 साल के बाद में, जी आपके बच्चे डिसाइड करते हैं मेरे को इंजीनियर बनना है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जब डिस्कशन करते हैं तो देखिए बहुत चीज़ें आती है, काम आएंगे आगे। अब आपने ज्योतिषी के पास बैठे, मेरे साथ में हुआ था, मैं जब बचपन में था तो मैं एक्टर बनना चाहता था, फिल्म स्टार बनना चाहता था, राइट, तो मेरी माता जी ज्योतिषी को जानती थी, और अच्छा हमारे ज्योतिषी भैया थे भी भाई, मतलब प्रकांड ज्योतिष थे, मतलब ज़बरदस्त ज्योतिष थे। देखने के बाद में जो उन्होंने लिख दिया वो लिख दिया, मैं आपको अपनी, मतलब ये है कि स्टोरी तो अभी कितनी बता पाएंगे, सार्वजनिक तौर पर ज़्यादा नहीं बता सकते, फिर भी आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ। तो मैं एक्टर बनना चाहता था, मैं हीरो बनना चाहता था, राइट, उसके लिए मैं मुंबई भी गया 2-3 बार। अगर आप कभी मेरे फेसबुक प्रोफाइल में पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आई हैड बीन अ वंडरफुल एक्टर, मतलब एक्टिंग के अंदर हमने बूगी बूगी का तब शो आता था जब हम गए थे, तो वहाँ के गेस्ट लोग भी खड़े हो गए, ताली बजाने में मजबूर हो गए थे कि भाई साहब दम है आपके अंदर, आप आ सकते हो। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था, और मैंने उसके लिए 4 साल ज़बरदस्त तैयारी करी थी जब मेरे ग्रेजुएशन का टाइम था, मैंने ऑलमोस्ट ये फाइनल कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो मुझे मुंबई जाके एक्टर बनना है। व्हाट इज दिस, दिस इज माय कर्मा, दिस इज माय डिसीजन, ये मैंने अपने लिए डिसाइड किया। अब गई मेरी माता जी ज्योतिष के पास, और ज्योतिष के पास जाके कहा, जी इसके तो दिमाग खराब हो गया, इसका बताओ क्या होगा। ज्योतिष ने मुझे बुलाया और उसने कहा, तू कुछ भी कर ले धरती पे, तू कुछ भी कर ले धरती पे, तू एक्टर नहीं बन सकता। मैंने उसको प्रोफाइल दिखाए, सब कुछ दिखाया, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, मेरी यूनिवर्सिटी के सब लोग बोल रहे हैं भैया दम है हमारे अंदर, हम बन सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। उसने कहा तुम नहीं बन पाओगे एक्टर, ये तेरी कुंडली के अंदर एक्टर बनना लिखा ही नहीं है, नहीं कर पाएगा तू, ये इसमें सक्सेसफुल नहीं होगा, तू आज चला जा, तेरे को वापस आना पड़ेगा। यानी कि जाना तेरे हाथ में है, उसने ये नहीं कहा कि तू आज जा नहीं सकता वहाँ, उसने कहा तू जा ले, तू ट्राई कर ले, लेकिन तू थक हार के 1-2 साल में वापस आ जाएगा, अब तेरे हाथ में, तेरे को 2 साल खराब करने हैं, तेरे को 2 साल अपने मनाने हैं, वो तू देख अपने आप, मैंने तुझे बता दिया तू एक्टर नहीं बनेगा, ये उस ज्योतिष ने खुल्लम खुल्ला बोला। और इससे भी बड़ी बातें हैं, बहुत सारी हैं, ज़्यादा हम नहीं बता सकते, कभी फिर कभी मौका लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा, जिससे मुझे विधि के विधान की पावर का पता चला था, जिससे मुझे पता चला था वक्त के अंदर कितनी ताकत होती है। उससे पहले मैं वक्त को कुछ मानता नहीं था, मेरे अंदर खुद के अंदर इतनी क्षमताएं और इतनी ताकत थी जिससे मुझे लगता था कि मैं विधि के विधान को और वक्त को बदल सकता हूं। लेकिन जब मैंने ये एहसास कर लिया कि वक्त कितना ताकतवर है, तब हमें एहसास हुआ कि भैया विधि के विधान के साथ में चल लेना थोड़ा समझदारी है, इतना दम नहीं लग पाएगा, इतना दम नहीं लग पाएगा। तो जो हमारे ज्योतिष भैया बता रहे हैं, उनके साथ में हमारी चैलेंज होता था इस चीज़ के ऊपर, मैं उनको चैलेंज करके आता था कि मैं ये बदल कर दिखा दूंगा, और नहीं बदल पाया। कर्म की भी ताकत थी, जो मेरे द्वारा किया गया कर्म था वो भी प्रबल बहुत था। सपोज कीजिए अगर मैं विधि के विधान को चैलेंज करने के लिए मुंबई चला जाता और अपनी जिद पे अड़ा रहता, नहीं मैं एक्टर बनूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक्टर नहीं बन पाता, मैं वहां जाके अगर अपने कर्म के ऊपर टिका रहता और मैंने कह दिया भैया जिद पकड़ ली, चाहे अब कुछ भी हो जाए, क्या है सड़कों पर सोना है, भूखे पेट रहना, मैं रहूंगा लेकिन मैं तो एक्टर बन के रहूंगा। ऐसे केस में एक्टर तो मैं बन जाता, लेकिन मुझे जितने यश की प्राप्ति होती वो मेरी एक्टिंग से नहीं होती, वो मेरे अच्छे व्यवहार से हो जाती, मैं एक अच्छा इंसान हूं इसलिए हो जाती, या किसी और वजह से हो जाती, नॉट बिकॉज ऑफ माई एक्टिंग। ऐसे विधि का विधान और कर्म काम करता है, तो कर्म भी नहीं हारता और विधि का विधान भी नहीं हारता। फिर मैं अगर 40 साल बाद आता उस ज्योतिषी के पास और बोलता तुमने तो कहा था मैं एक्टर नहीं बनूंगा, तो एक्टर बन गया, ज्योतिष मेरे को पकड़ लेता, कहता बेटा तू एक्टिंग की वजह से नहीं है अपने, ये तू भी जानता है, तू जो कुछ है वो दूसरी हरकतों की वजह से है, तू एक्टिंग की वजह से नहीं है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं बॉलीवुड के अंदर, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं कि नहीं है, एक्टिंग की वजह से नहीं है, बस वो हैं, दे आर सुपरस्टार, नॉट बिकॉज दे कैन एक्ट वेल, राइट। तो दिस इज हाउ विधि का विधान एंड कर्म वर्क्स, दोनों प्रबल होते हैं, दोनों ताकतवर होते हैं, इसीलिए कहा जाता है। अब देखिए विधि का विधान चल रहा था, मैंने एक्टिंग का, चलो कोई रीज़न सर्कमस्टेंसेज ऐसे रहे जिसकी वजह से मैंने वो छोड़ दिया, विधि के विधान के साथ में चलना मैंने ज़्यादा पसंद करा, दैट वॉज माई पर्सनल चॉइस, बट आई एम हैप्पी टुडे, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल गम नहीं है। और अगर इस टाइम पर मैं कहीं मुंबई में होता, वहाँ सड़कों के ऊपर अभी तक मैं स्ट्रगल कर रहा होता, कुछ कर रहा होता, अपनी जिद में टिका होता,
मतलब ठीक है, अब आपने जिद पकड़ लिया तो लगे रहो, लेकिन ऐसा हो सकता था कि 15-20 साल तक कोई सक्सेस नहीं मिलती और मैं शायद आज थोड़ा सा ज़्यादा खुश हूँ। तो विधि के विधान के साथ में चल लेना थोड़ा समझदारी होती है। आपको अपने कर्म को अच्छे करते हुए विधि के विधान के साथ थोड़ा सा ज़्यादा पावर लगाना ही ज़्यादा अच्छा है। सर्कमस्टेंसेज नहीं हो या विधि का विधान कुछ गलत करवाना चाह रहा हो, तब हमें अपनी पावर और अपने कर्म का इस्तेमाल करके विधि के विधान के द्वारा अगर आपको अपयश दिलवाया जाने की प्लानिंग हो रही हो तब आपको उसको रोकना चाहिए। इसके लिए पॉजिटिव कर्माचरण करना चाहिए, ऐसा मेरा लगता है, मुझे ऐसी आशा है। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो के अंदर आपको भाग्य और कर्म की ताकत का कुछ अंदाज़ा आया होगा। निरंतर हम इस बारे में और सोचते जा रहे हैं, रिसर्च हमारी चलती जा रही है, हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ को और ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम किसी की नहीं सुनते। कोई साधु संत ने, कोई बाबा ने कह दिया कुछ, पूरी ज़िंदगी में बाबा के पास में नहीं गया, संतों के पास में नहीं गया, कभी महसूस ही नहीं हुई, ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। दुनिया परेशान है, घूमती फिर रही है इधर उधर। अब मुझे लगता है कि नहीं, ऐसी परेशानी इतनी जल्दी से हम नहीं आने देंगे और हम उस राह के ऊपर टिक रहने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा दृष्टिकोण जो है वो आपके पास भी लाते रहेंगे। भारत वंदे मातरम।